रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत करहिया स्थित बीहर नदी में नहाने गई एक छात्रा अचानक डूब गई। छात्रा की नदी में डूबने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। छात्रा की सहेलियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस टीम के साथ तहसीलदार भी पहुंचे, जहां पुलिस ने गोताखोरों की टीम बुलाई और नदी में डूबी छात्रा की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि छात्रा सतना जिले की निवासी है और वह रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की अध्ययनरत है। घटना बुधवार के दोपहर 2 बजे के आसपास की है, जहां छात्रा मैथिली सिंह परिहार सतना जिले की निवासी है। मैथिली अपने अन्य दोस्तों के साथ शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के करहिया स्थित बीहर नदी में नहाने के लिए गई थी। नहाने के दौरान मैथिली अचानक से गहरे पानी में डूब गई। यह देखकर उसके अन्य साथियों ने बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। कुछ देर बाद मैथिली के साथियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। घटना की खबर लगते ही तहसीलदार समेत पुलिस और गोताखोर की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां नदी में डूबी छात्रा की काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। मौके पर उपस्थित छात्रा की सहेली उमा सिंह ने बताया कि स्टेडियम में वह प्रैक्टिस करने जाती है। पुलिस को सूचना देने के बाद भी वह करीब 2.5 घंटे देरी से पहुंची। वहीं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने बताया कि छात्रा की तलाश की जा रही है, नदी के पानी का फ्लो कम कराया जा रहा है। SDRF की टीम मौके पर पहुंची है। लड़की डूब गई थी और पुलिस को सूचना 2.5 घंटे पहले भी दी है, और उन्होंने कोई गोताखोरों को अभी कोई सूचना नहीं मिली उसको। मैं 2.5 घंटे बाद मिला, अभी लड़की की लाश भी नहीं मिल पा रही है, पता नहीं कौन है लड़की कहाँ। ये लड़की हो गया स्टेडियम में प्रैक्टिस करने आती थी और BPS APS यूनिवर्सिटी में BPS करती थी। क्या नाम था इसका? मैथिली सिंह। मैथिली सिंह लड़की का नाम था। आपका क्या नाम है? मेरा उमा सिंह नाम है। अरे ये बच्ची डूब गई है, यहाँ कहाँ की थी क्या? ये प्राप्त जानकारी के अनुसार सतना की निवासी है मैथिली सिंह परिहार, जो कि रीवा विश्वविद्यालय में BPED की पढ़ाई पढ़ती हैं। वो यूनिवर्सिटी से और उनके कुछ अन्य साथी लोग यहाँ पर आए थे, करहिया घाट में नहाने के लिए उतरे थे, परंतु मैथिली सिंह परिहार अचानक से पानी में डूब गई हैं, जैसा कि बताया जा रहा है उनके साथी के द्वारा। सब और क्या प्रयास किया जा रहा है? जो करहिया नदी का पानी है उसका फ्लो कम कराया जा रहा है। साथ में हमारी SDRF टीम तुरंत आ गई है मौके पर, सक्रिय है हमारी टीम।